इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए और नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें टेक्निकल अनीश को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप भी इस तरह का कुछ ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम काई मास्टर। इसे आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। जैसे हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो हमें न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इस रेशियो सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो हमें 9:16 रेशियो क्लिक करके क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद उससे हमें बैकग्राउंड चुनने की याद जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ब्लैक कलर बैकग्राउंड को चुनें और इसके लेंथ को लगभग 20 सेकेंड का लगता है। सिंपली हमें बैक आना है। अब दोस्तों, हमें एक फोटो लेना है, इसके लिए हम लेयर पर क्लिक करके मीडिया आ जाए क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इस फोटो को ले लेते हैं। जैसे इस फोटो को लेते हैं तो हम प्रेस इसके हाथ पर सेट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें सिंपली इसके लेंथ को अपनी स्टेटस पर रख लेना है। उसके बाद हमें शुरू में आ जाना चाहिए। तो और उसको डबल टैप करके कॉर्नर में थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लेना है और इसके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से इसके सिचुएशन को -100 कर देना है और सिंपली बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों, हमें पहले वाले फोटो को क्लिक करना है। तो पहले वाले फोटो को क्लिक करके हम फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके V05 वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी ऑपेसिटी को लगभग हम 50% रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, सिंपली हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें दूसरे वाली फोटो को क्लिक करना है। इसमें ओवरऑल एनिमेशन पर क्लिक करके पल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिस तरह का सिंपली हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, हमें ब्लैक शैडो की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। हम ब्लैक शैडो को ले लेते हैं। फिर उसे लेने का हम इसे कुछ स्पेशल कर कुछ पैसे सेट कर देंगे और फिर प्लीज इसके लेंथ को भी हमें लगभग वीडियो को लास्ट तक कर देना है। उसके बाद फिर बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब हमें एक फ्लावर टेम्पलेट लेना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। इस फ्लावर टेम्पलेट को हम ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें पहले हमें एक लेंडे वाले अच्छे से जाना है। उसके बाद हमें फिल करके इस तरह से हम इसमें कर लेंगे, फिल करने के चीज़ें सेट कर देंगे। बैक आना है। उसके बाद एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंट को लगभग हम 50% डाल देते हैं और इसके सैचुरेशन को लगभग हम 70% करते हैं। इसलिए हमें बैक आ जाना है। बैक आने का देखते हैं। अब हमें एक लाइटिंग टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें लाइटिंग टेम्पलेट को टेम्पलेट लेते हैं। उसके बाद हमें मिक्सर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से शाम को म्यूट या जीरो कर देना है। उसके बाद हमें ब्लूटूथ स्क्रीन पर जाकर फुल स्क्रीन कर देना है। फिर बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से इसको भी स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद हमें बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें इसके फ्लावर वाले लेंथ को वीडियो क्लास तक कर देना है। उसके बाद सिंपली बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें एक हॉट टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें कुछ तरह सेट करके यहाँ से जूम कर लेना है और बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद इसको फिर से टैप करते हैं। टैप करने के बाद हमें फिर साउंड को म्यूट करके जीरो करके और इसके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाते हैं। उसके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर उसको स्क्रीन को सिलेक्ट करके सिंपली बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद हमें म्यूजिक डीजे इफेक्ट टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। इसको भी हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ला करके सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद इसके लिए मिक्सर
क्लिक करके सिर्फ साउंड को म्यूट करके या जीरो करके सिर्फ बैक में जाएंगे। उसके बाद हम इसको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने से फिर बैक आ जाएगा। अब दोस्तों हमें एक सॉन्ग लिरिक्स सॉन्ग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से सीधे डाउनलोड कर लें। तो इसको भी कुछ इस तरह से है, पहले इसको भी ब्लेंडिंग वाले ऐप से क्लिक करके इसको भी स्क्रीन कर देंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम ब्लेंडिंग वाले ऐप पे जाना और उसको भी स्क्रीन कर देना। और अब हम अपने गाने के साथ से जो हमारा गाना लगा है उसके हिसाब से हम अपने वीडियो को रखेंगे, उसको क्लिक करना है। और उसको ग्यारह मिनट के प्लेयर करने से उसको क्लिक कर टेलीग्राम पर उसको भी राइट टू ट्यून करके सिंपली बैक हो जाता है। फाइनली दोस्तों हमारा वीडियो स्टेटस भी बन तैयार हो गया है, तो हम इसे आपको चला करके दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसे सेव करने के लिए आप कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहाँ से आप जिस वीडियो में सेव आपको डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसे 1080p पर डाउनलोड करना चाहता हूँ, वहाँ पर सेव हाई क्वालिटी पर सेव आई पर क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।